हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जनरली जब भी हम चार्ट का एनालिसिस करते हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग पैटर्न को यूज करते हैं और बहुत सारे इसके प्रीमियम फीचर्स को भी यूज करते हैं। अगर आप भी इसके प्रीमियम फीचर्स को यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पे करने की जरूरत पड़ेगी 2500 से लेके 2000 मंथली। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आपके फायदे की बात बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स को फ्री में यूज कर सकते हो, भी लाइफ टाइम तक के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा और ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स को यूज करते हुए आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके अपने ट्रेड का एक्यूरेसी लेवल और इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है HDFC बैंक का डेली चार्ट है। तो हम बताएंगे कि कैसे आप इसके यानी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जो प्रीमियम फीचर्स है उसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे क्या क्या पेड फीचर्स और प्रीमियम फीचर्स दिए गए, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन होगा भी और बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो प्रीमियम फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता उनको पता हो जाए कि ये सारा प्रीमियम फीचर्स आपको फ्री में मिलने जा रहा। फिर एट लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से आप इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे आपको बाय और सेल का सिंगल, बस आपको इस पे एक क्लिक करना, फिर आप देखिए ऑर्डर रिजेक्टेड, मार्केट इज क्लोज, मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंगल क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ पे जो भी स्टॉक्स को आपने वॉच लिस्ट में ऐड किया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो अगर आपको फुल ऑर्डर प्लेस करना है तो यहाँ पे आप ये भी ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आप मार्केट ऑर्डर को देख सकते हैं और उसके बगल में आपका फुल्ली चार्ट ओपन रहेगा। चार्ट आपके सामने से कभी भी नहीं जाएगा और आपको चार्ट छोड़ के कहीं और जाने की जरूरत नहीं है ऑर्डर प्लेस करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर में ये चीज़ हमें करना पड़ता है कि चार्ट छोड़ के अलग से ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे आप इसी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हम आसानी से ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। आप मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, SL SLM ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करें, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं, देख सकते हैं। जब हमने ऑर्डर प्लेस किया था तो आपको ये ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज और अच्छे से दिख जाए। तो देख सकते हैं जिस भी लेवल पे आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो लेवल्स आपको यहाँ पे चार्ट पे ही दिखने लग जाएगा कि आपने यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस किया। जैसे यहाँ पे आपको ब्लू लाइन दिख रहा है और इसको हमने बुक भी कर लिया तो यहाँ पे हमने सेल किया वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये नहीं, ऑर्डर फ्रीज होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ऑर्डर लिया था। उसके साथ साथ आप जहाँ पे भी SL लगाएंगे वहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डिनोट करता हुआ दिखेगा। जो भी आप टारगेट सेट करेंगे आपका टारगेट का लाइन भी चार्ट पे ही देखने को मिल जाएगा। यानी ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपको वापस से अपने ऑर्डर बुक में जाने की जरूरत नहीं है, आप चार्ट पे ये सारा कुछ आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मार्केट डेप्थ देखने की जरूरत है तो आप देख सकते हैं, मार्केट डेप्थ भी आप देख सकते हैं। और मार्केट डेप्थ देखने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप मार्केट प्राइस पे बाय और सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और यूनिक फीचर्स दिए गए जो कि आपको किसी भी ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में नहीं दिया गया है। सबसे पहले अगर आपने बाय चांस HDFC बैंक के शेयर्स को बाय कर लिया, अगर आपको लगता है कि हमने यहाँ पे गलती कर दिया, हमें बाय नहीं सेल करना चाहिए, या फिर कई बार मिस्टेक से हमें बाय करना रहता है हम सेल कर लेते हैं, तो अगर आपने यहाँ पे गलती से बाय वाला ट्रेड इनिशिएट कर लिया तो यहाँ पे आपको रिवर्स का ऑप्शन आएगा। यानी आप ऑर्डर बुक से ही रिवर्स पे क्लिक करेंगे, ये बाय ऑर्डर आपका इंस्टेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अलग से आपको ऑर्डर एग्जिट करके फिर से सेल ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर लेने के बाद पोजीशंस में आपको दिखेगा रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स पोजीशन, उस पर क्लिक करते आपका बाय ऑर्डर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और सेल ऑर्डर बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में, जो कि आपको कहीं और नहीं दिया जाएगा। और इन सब को हम फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, फ्री में यूज कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये सारे फीचर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप
देख सकते हैं डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा, 1 मिनट से लेके 1 आवर से लेके आपको इनफैक्ट 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ तक का टाइम फ्रेम, यानी डिफरेंट टाइम फ्रेम आपको देखने को मिलेगा। जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करना चाहते हैं आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बास्केट ऑर्डर भी देखने को मिलेगा, यानी एक साथ आप मल्टीपल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे हमें हेजिंग में करने की जरूरत होती है, एक साथ हम 2 से 3 4 ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो आप बास्केट ऑर्डर के जरिए कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट बास्केट पे क्लिक करना है और आप अपने बास्केट का नाम ऐड करना, उसके साथ ही आप जिस भी चीज को बाई करना चाहते हैं एक साथ 3 4 आप बास्केट अपना क्रिएट करके वहां से आप आसानी से बाई कर सकते हैं। ये भी आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट को ओपन किए हुए ही कर सकते हैं, अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा आपको मल्टी स्क्रीन कई बार चाहिए होता है, जैसे यहाँ पे अगर हमें 4 स्क्रीन चाहिए होगा तो यहाँ पे हमें 4 स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। आप अलग अलग स्क्रीन में अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे स्क्रीन में आप एक ही स्टॉक्स को ऐड करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 ही नहीं, आप चाहो तो 8 मल्टीपल स्क्रीन तक ऐड कर सकते हैं। कई बार हमें जरूरत पड़ता है, क्योंकि कई बार जब हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो हम 3 4 स्टॉक्स में एक साथ ट्रेड करते हैं, और 3 4 अलग अलग टैब खोलने से बेहतर है यहाँ पे हम मल्टी स्क्रीन सेटअप तैयार कर ले और सारे स्टॉक्स को एक ही स्क्रीन में एक साथ देखें, ताकि हमें पता चल सके कि उन सारे स्टॉक्स में क्या अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। वापस से हम सिंगल स्क्रीन पे आ गए। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए जिसके बारे में हम देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे इंडाइसेस देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक करते हैं तो निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो बैंक निफ्टी के जितने स्टॉक्स हैं वो देख सकते हो। इसके अलावा फिन निफ्टी जो रिसेंटली ऐड हुआ है उसको भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हो। ऐसे आप मिड कैप 100 ये सारा कुछ आप आसानी से इंडाइसेस में भी आप जा सकते हो। ये सारे फीचर्स आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगे और ये सारे प्रीमियम फीचर्स है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के। तो यहाँ पे अब हम FNO पे चलते हैं और FNO में यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा और प्रीमियम फीचर्स दिए गए उस पे ऊपर आते हैं। उसके लिए हमें इसके FNO के चार्ट को ओपन करना होगा और यहाँ पे हमने निफ्टी के दिसंबर फ्यूचर वाले चार्ट को ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे इसके प्रीमियम फीचर्स को देखते हैं जो स्पेशली FNO ट्रेडर्स के लिए दिए गए हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे माउस लाना, उसके बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगा। इस ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करते हो तो देख सकते हो आपको कंप्लीट ऑप्शन चेन मिल जाएगा। आप चार्ट को देखते हुए ऑप्शन चेन को एक साथ देख सकते हैं, यानी यहाँ पे आप ऑप्शन चेन और चार्ट दोनों का एनालिसिस आप एक साथ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, वापस से अगर आप स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपको फ्यूचर चेन देखने को मिलेगा। फ्यूचर चेन के बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया होगा, लेकिन ये भी काफी क्रूशियल डेटा है। अब हम इसको कैसे रीड करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम दिसंबर फ्यूचर की बात करें तो देख सकते हैं दिसंबर फ्यूचर में टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है और ओपन इंटरेस्ट का एडिशन कितना हुआ है। ये हमें दिखाता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स एंट्री करें या फिर सेलर्स एंट्री करें, यानी किसका दबदबा मार्केट में ज्यादा है, वो यहाँ से हमें काफी हद तक क्लियर कट इंडिकेशंस मिल जाता है। देख सकते हैं प्राइस में हमें OI में हमें 2.5% का चेंजेस देखने को मिला और उसके साथ साथ प्राइस भी आपका ऊपर गया है। मतलब यहाँ पे जो भी एडिशन हुआ है वो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि बायर्स का मार्केट में एडिशन हुआ है। यानी फ्यूचर्स का डेटा भी हमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट में कौन ऐड कर रहे हैं, किसका एडिशन हो रहा, बायर्स मार्केट में एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप फ्यूचर डेटा, ऑप्शन डेटा, टेक्निकल चार्ट, इन सब को एक साथ स्टडी करते हुए, कंबाइन करते हुए एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए। वापस से आपको चार्ट पे आना और राइट क्लिक करना। इसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव OI बिल्डअप आपको देखने को मिल जाएगा। ये जब मार्केट ओपन होगा तो उस टाइम पे आपको लाइव OI बिल्डअप देखने को मिल जाएगा, यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक्स या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसा OI का बिल्डअप हो रहा, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा या फिर शॉर्ट अनबाइंडिंग हो रहा या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रहा, वो सब भी यहाँ पे आपको लाइव देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज डेटा दिया गया जो कि आपको देखने को मिलेगा, ये आपका लाइव ट्रेडिंग डेटा। यानी यहाँ पे आप VWAP का डेटा देख सकते हैं, मार्केट डेप्थ आप यहाँ से भी देख सकते हैं, रियल टाइम ट्रेड्स जो भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं, और VWAP का काफी क्रूशियल डेटा रहता है। जब मार्केट ओपन होगा तो ये सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग व्यू अपने प्रीमियम मेंबर को देता है, जिसको आप फ्री में इस्तेमाल करके अपने FNO ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं। यहाँ पे अब हम इसके इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आते हैं जो कि आपका है इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वह है आपका VWAP ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एक इंडिकेटर है जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है, आप इसको आसानी से किसी भी फ्यूचर के चार्ट में ऐड कर सकते हैं। देखिए
ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर ऐड हो गया। ये हमें दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ये क्लियर कट हमें देखने को मिल जा रहा है। चार्ट के साथ ही हम ओपन इंटरेस्ट को भी देख सकते हैं। और ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, जो चार्ट है, जो इंडिकेटर है, वो आपको बहुत कम जगह, बहुत कम ब्रोकरेज फॉर्म में ऐसा आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। और ये सारा आपको मिलता कहाँ? ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम फीचर्स जब आप लेते हैं तभी आपको मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको जस्ट बताने जा रहा हूँ कि इसका आप इस्तेमाल फ्री में कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या क्या प्रीमियम फीचर्स है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको एक्सेस मिलने के बावजूद भी आप फुल इसके प्रीमियम फीचर्स को यूज ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाहो तो बहुत सारे इंडिकेटर्स को एक साथ ऐड भी कर सकते हो और सेव भी कर सकते हो। जैसे हमने टेम्पलेट में ऑलरेडी सेव कर रखा है, अगर यहाँ पे हमें निफ्टी के फ्यूचर्स में वीवैप और ओआई को यूज करना रहे तो देखिए हमने सेटिंग्स को सेव कर रखा है, यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको सेव करना है तो आपको टेम्पलेट्स पे जाना और टेम्पलेट्स पे सिर्फ इंडिकेटर टेम्पलेट पे करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग्स किया वो सेव हो जाएगा और इसको आप किसी भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम दूसरा रिलायंस के चार्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमें सेम वीवैप और ओआई जो भी हमने सेटअप तैयार किया वो ऐड करना। देखिए हमारा ओपन इंटरेस्ट और वीवैप दोनों ऐड हो गया और इसके बेसिस पे अगर हमें ट्रेड लेना हो तो हमें आसानी से ले सकते हैं, हमें बार बार स्टॉक्स में ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ये सारा कुछ आपका प्रीमियम फीचर्स है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में दिया जाता है। तो यहाँ पे अब हम फाइनली देखते हैं कि ये सारे प्रीमियम फीचर्स को हम फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। ये सारे प्रीमियम फीचर्स यूज करने के लिए आपको धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप धन में पहले से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर रखे हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको धन के जरिए ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म को ओपन करना और जो भी मैंने आपको प्रीमियम फीचर्स बताया वो सारा प्रीमियम फीचर्स आप फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट नहीं है तो भी आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आपको धन में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और धन में आप बिल्कुल फ्री में अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना धन में फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसे आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन करना, फिर आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके ये सारे प्रीमियम फीचर्स को यूज करते हुए आप अपने टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, अपने ट्रेड के एक्यूरेसी लेवल को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाइटल इंफॉर्मेशन दिए गए जो कि आपको जनरली दूसरे जगह नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे एक और चीज प्रीमियम फीचर्स दिए गए वो क्या है? वो है आपका वेब हुक्स का। अब इसका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? अब इसका इस्तेमाल आप सपोज दैट कोई आपके पास एक रेडीमेड स्ट्रेटजी आपने तैयार किया है, अब इस रेडीमेड स्ट्रेटजी के जरिए आप ट्रेड करना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं? वहां पे आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के जरिए आप उसमें आसानी से ट्रेड पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और ये ट्रेड आपका एग्जीक्यूट कहां पे होगा? ये सारा ट्रेडिंग जो भी आपने सेटअप किया, जो भी आप ट्रेड लेंगे, वो सारा धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ऑटोमेटिकली आपका एग्जीक्यूट होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे पहले एपीआई कनेक्ट करना पड़ता है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आप वेब हुक के जरिए इसका आप फ्री में यूज कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं, ना ही एपीआई के लिए चार्जेस पे करने की जरूरत है, ना ही कुछ और करने की जरूरत है। यहाँ पे आप आसानी से वेब हुक्स के जरिए अपने स्ट्रेटजी को ट्रेडिंग व्यू से कनेक्ट करके फ्री में आप यूज कर सकते हैं जो भी आपने स्ट्रेटजी फॉर्म किया है। ये सारा प्रीमियम फीचर्स है जो कि आपको दूसरे जगह नहीं मिलेगा। मैंने आपको तरीका बताया कि कैसे आप फ्री में यूज कर सकते हैं धन के जरिए, धन में फ्री में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव और आपके फायदे वाली बात आप तक हम रेगुलर बेसिस पे पहुंचाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।